विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों के नेता उपचुनाव वाले क्षेत्र में जनसंपर्क और प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में पृथ्वीपुर विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे स्वर्गवासी ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी नितेंद्र राठौर भी विधानसभा को संवारने का दम भर चुके हैं। नितेंद्र राठौर से चर्चा की एशियन भारत के संवाददाता आमिर खान ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के मऊ ग्राम में। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के भावी प्रत्याशी स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह जी के पुत्र नितेंद्र प्रताप सिंह राठौर जी। राठौर जी, पिताजी कोविड के दौरान हम सब को छोड़कर चले गए और उसके बाद उपचुनाव होना है पृथ्वीपुर में, घोषणा भी हो चुकी है, मध्य प्रदेश में ऐलान भी हो चुका है चुनाव का। अब आप ग्रामीण अंचलों में पहुंचने लगे हैं, लोगों से वोट मांगने लगे हैं, क्या पूरा विज़न है, किस तरीके से लोगों से मत के लिए उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, सबको पता है कि मेरे पूजनीय पिताजी दमोह में उपचुनाव हुआ था जिसमें उनकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंचार्ज बनाए गए थे और उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी और उन्होंने उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया और इन्फेक्शन उनको वहाँ से हुआ, उनका निधन हुआ। लेकिन खुशी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को वो जीत दिलाकर उसके बाद वो गए। तो मेरा कहना यह है कि हम सब लोग कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनका परिवार, उन्होंने हमेशा राठौर परिवार को नहीं माना, उन्होंने अपना परिवार हमेशा विधानसभा क्षेत्र के एक एक सदस्य को माना है और लगातार चूँकि मेरे पिताजी क्षेत्र में जनसंपर्क करते रहे और मैं भी अभी लगभग 2-2.5 महीने से, क्योंकि पिताजी के निधन के बाद जरूर 1.5 महीने नहीं निकला, निकला नहीं जाता, सबने बोला था, तब से लगातार मैं घूम रहा हूँ। पिछला चुनाव जब पिताजी लड़े थे तब कांग्रेस और भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उपचुनाव है, 3 विधानसभा चुनाव हैं। अभी जिस दिन मुख्यमंत्री की सभा थी उस दिन ये देखा गया था कि प्रशासनिक जो अमला है वो कहीं ना कहीं उनकी सभा की व्यवस्थाएं बनाती हुई नजर आया था, तो निर्वाचन आयोग से भी कांग्रेस ने शिकायत की, तो ऐसे में कहीं आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक जो बॉडी है वो शासन के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उनके दबाववश कोई काम कर रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, उपचुनाव जो होते हैं प्रशासनिक तौर पे आप सब देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अभी 10-12 दिन पहले मोहनगढ़ क्षेत्र से पृथ्वीपुर गए, 14-15 गांव गए, अभी दिगोड़ा में आए। अब मुझे बताइए, 17-18 साल मुख्यमंत्री बने हो गए, अगर इतनी चिंता थी तो इससे पहले क्यों नहीं आए, चुनाव में ही क्यों आए, चुनाव में क्यों उनको आ गई, अरे ओ दिगोड़ा वाले रे छोरे, अरे इस तरह की भाषा जो उन्होंने बोली है। मेरा सम्मान है, वो पूजनीय हैं, बड़े हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा पूरे सम्मान के साथ। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियो भी वायरल हुए जो मेरे पूजनीय पिताजी के बारे में अपशब्द कह रहे थे, मैं उन सब से भी यही कहूँगा कि वो सब भी मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे चाचा समान हैं, इस तरह की भाषा से उनकी पार्टी का, उन्हीं के सम्मान को ठेस पहुँचेगी। मैं अपनी तरफ से, मुझे जो संस्कार है, मैं आलतू फालतू की बातें नहीं करूँगा। और देखिए, शासन प्रशासन को भी ये देखना होगा, आज गरीब, मैं ये कहता हूँ कि शासन प्रशासन कोई भी कितनी ताकत लगा ले, गरीब के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन मैं अंत में ये जानता हूँ कि जनता जो पिस रही है इनके अत्याचार से, उसको वोट तो उसी को डालना है ना, शासन प्रशासन को तो नहीं डालना है। लगातार सोशल मीडिया पर जारी हुई थी कि नितेंद्र प्रताप सिंह पे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, संगठन के लोग डोरे डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खींचने की बात है, इसके बाद आपकी भी जो स्पष्टीकरण सामने आया था, क्या है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करती रहती, कभी किसी के लिए कहती, कभी अभी बीच में अरुण यादव जी के लिए भी कहा था, मेरे लिए भी कहा था, कभी किसी के लिए, क्षेत्र में भी हम लोग सुनते रहते हैं कि अन्य ज्वाइन कर लिया, उनसे पूछे, बोले हम तो गए ही नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अफवाहें इसलिए फैलाती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे, लोग भावनाओं में बह जाएं, ये सब चीज़ें करें, ये सब बकवास बातें। मेरे दादा जिन्होंने जीवन अपना कांग्रेस पार्टी में लगाया, मेरे पिता ने 40 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सेवा की, इस तरह के जो घोषणाएं अफवाहें वाहें जो चलती हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात करती है तो ये सोचने का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि उनको क्यों आज कांग्रेस के नेताओं की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब उनके पास अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता हैं नहीं। ऐसा तो नितेंद्र प्रताप सिंह जो भावी प्रत्याशी कांग्रेस के माने जा रहे हैं, जिनसे हमने चर्चा की, तमाम सवाल किए, उन्होंने विवाकी से उनके जवाब दिए और उन्होंने ये कहा है कि इस बार चुनावी मैदान में उपचुनाव वह लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि पिताजी की जो जीत थी उससे दुगनी जीत होगी और वह ये भी मान रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी प्रतिद्वंदी होगा उनका, उसको वे गंभीरता से लेंगे और मैदान में लगातार डटे हुए हैं और नितेंद्र प्रताप सिंह लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। एशियन भारत के लिए टीकमगढ़ से मैं आमिर खान।